Hello everyone, so today our topic is plastic as materials of choice. Today if we think of sorting a food items, water, milk, pickles, dry food etc. plastic containers seems most convenient. कि अगर हम आज कोई भी फूड मटेरियल्स की चीज़ें हैं, पानी है, मिल्क है, पिकल्स है, ड्राई फ्रूट जो भी है, तो हम उसको प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ऐसा क्यों? This is because of the lightweight, lower price, good strength and easy handling. कि वो ज़्यादा convenient क्यों है? क्योंकि वो lightweight है, उसकी price भी कम है, उसकी strength ज़्यादा है, उसकी handling capacity है वो बहुत ही easy है. Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars and in aircrafts and spacecraft too. The list of endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces etc. कि ये जो सारे materials हैं use हम slippers बनाने के लिए, furniture बनाने के लिए और decoration pieces बनाने के लिए use करते हैं. Now let us discuss the characteristic properties of plastic. Now plastic is non-reactive. Non-reacting in the sense कि जो भी metals है या तो air के साथ जो भी metals react करते हैं उसको reactive metals कहते हैं और जो नहीं करते उसको non-reactive कहते हैं. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. कि जैसे कि iron की बात करें तो हम उस पर color क्यों लगाते हैं? ताकि वो air के साथ, moisture के साथ contact में ना आए. अगर आ जाता है तो क्या हो जाता है कि वहाँ पर junk लगना शुरू हो जाता है. But plastics do not react with water and air. कि ये जो plastic है वो ना तो water के साथ ना तो air के साथ react नहीं करता है. They are not corroded easily. कि corroded in the sense कि जहाँ पे junk easily नहीं लगता है. That is why they are used to store various kind of materials including many chemicals. कि even plastic है वो बहुत सारी things को store करने के लिए use किया जाता है. Even जितने भी chemicals देखते हैं तो वो तो या प्लास्टिक में स्टोर करते हैं या तो ग्लासेस के अंदर स्टोर करते हैं ताकि वहाँ पे रिएक्शन ना हो. नाउ प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. टॉक टू योर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. कि आपने कभी आपके पेरेंट्स को या तो ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को पूछा है कि वो कौन सा बकेट यूज़ करते थे, कौन सी टाइप का बकेट यूज़ करते थे? व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टूडे. और आप आज जो मग या तो बकेट यूज़ करते हैं वो कौन से टाइप का है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर. कि प्लास्टिक कंटेनर का जो यूज़ कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या है? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज. कि ये जो प्लास्टिक है वो इजीली हम उसको कैच कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि लाइट वेट है. तो ये उसके एडवांटेजेस हैं. हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, उसको कोई भी शेप और साइज में भी हमें मिल जाता है. इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस. कि आप रेगुलर अपने घर पे देखते होंगे कि जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसका यूजेस और उसके पर्पस कितने अलग अलग हैं. प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स. चीपर मतलब कि जिसकी प्राइस कम हो, जो कि ईजीली अवेलेबल हो. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. कि हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें या तो हाउस होल्ड की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ प्लास्टिक ईजिली अवेलेबल हो जाता है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यूज इन डेली लाइफ. कि कभी आपने जितने भी मटेरियल्स आप प्लास्टिक के यूज़ करते हैं कभी आपने उसका लिस्ट बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो बताइए और देखिए कि रेगुलर लाइफ में आप कितने प्लास्टिक का यूज़ करें, उसके एडवांटेजेस क्या हैं. अगर आप सुबह में चाय पी रहे हो और वो प्लास्टिक का है तो क्या होगा कि सिर्फ आप दूध पी रहे हैं या तो चाय पी रहे हैं तो वो सिर्फ गिर जाएगा, पर आपका जो मग है वो ब्रेकआउट नहीं होगा. अगर सेम चीज़ वो ग्लास की हुई तो क्या होगा कि वो ब्रेकआउट हो जाएगा ना. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. पुअर कंडक्टर्स मतलब कि आप ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के जहाँ पे करंट लगता है तो वो गुड कंडक्टर होंगे और जहाँ पे नहीं लगता है तो वो पुअर कंडक्टर होंगे. पुअर कंडक्टर में हम कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे? वुड है, प्लास्टिक्स हैं, लेदर्स हैं, ये सारी. ना टॉक अबाउट प्लास्टिक. यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, के जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसका कवरिंग जो होता है वो किससे होता है, प्लास्टिक वायर से होता है. एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, कि आपने कभी स्क्रू ड्राइवर देखा होगा तो उसका जो हैंडल है वो भी क्या है, प्लास्टिक से बना होता है. जितने भी वेसल्स हैं वो वेसल्स भी किससे बने होते हैं, उसका जो एंड होता है वो बेकेलाइट से बना होता है, जो कि अगर हम उसको गैस के ऊपर रख रहे हैं तो जो हीट लग रहा है तो वो हमें हैंडल है वो हमें गर्म नहीं लगता है. एज मेंशन अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो आज हमने ये कुछ उसके